अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। वेजिटेबल पुलाव बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब बन जाएगा खाने में मज़ा भी उतना ही आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर थोड़ा सा टाइम देते हैं वेजिटेबल पुलाव को, टेस्टी सा पुलाव बनाते हैं। सबसे पहले चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं और एक पतीला चूल्हे पर रख देते हैं और उसमें 1 कप ऑयल का ऐड कर देते हैं। ये वेजिटेबल पुलाव मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और जैसे ही ऑयल गर्म हो उसमें शामिल कर देते हैं कटी हुई 1 गाजर और 2 बारीक स्लाइस में कटी हुई शिमला मिर्च और इनको 1 मिनट के लिए करते हैं फ्राई और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून नमक का। नमक शामिल करने के बाद इसे करते हैं मिक्स। यहाँ पर गाजरों को और शिमला मिर्च को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अब इसे इनको बाहर निकाल लेते हैं ऑयल से। ये वेजिटेबल पुलाव मैं बनाऊंगी थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, क्योंकि एक ही तरह के पुलाव खा खा के बंदा थक जाता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा यूनिक स्टाइल में पुलाव बनाऊंगी। अब उसी ऑयल में मैं शामिल कर देती हूँ 1 कटा हुआ बारीक स्लाइस में प्याज और उसे प्याज को करते हैं फ्राई और इसमें 2 शामिल कर देते हैं सब्ज़ मिर्चें भी। अब शामिल कर देते हैं अदरक लहसुन चॉप किया हुआ। अब इसे 1 मिनट के लिए भूनते हैं। जब ये अच्छा सा हो जाए ऑयल में कुक, तो अब इसमें शामिल करते हैं 2-4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून जीरे का और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा सूखा पिसा हुआ धनिया। लास्ट में मैं शामिल करूंगी इसमें 1 टेबलस्पून नमक का और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ बिरयानी मसाला, इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर 2 बारीक कटे हुए और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें। ये सब मसाले शामिल करने के बाद अब इसे भून लेते हैं अच्छा सा, ताकि मिर्ची वगैरह सारी अच्छी सी इनकी बनाई हो जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देते हैं और इसे कर देते हैं कवर, ताकि टमाटर हो जाए सॉफ्ट और मसाला अच्छा सा हो जाए कुक। अब 2 मिनट बाद देखिए जी, यहाँ पे टमाटर मसाले सारे हो गए हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें शामिल करते हैं आलू 1 कटोरी और 1 मिनट के लिए इसे भी भून लेते हैं मसाले के साथ और अब इसमें शामिल करते हैं 1 कटोरी मटरों की। अब मटर डालने के बाद इसे मटरों को भी 2 से 3 मिनट इसी ऑयल मसाले में करते हैं फ्राई। मटरों और आलुओं को मसाले में अच्छा सा भून लेते हैं, यहाँ पे 2 से 3 मिनट लगेंगे इनको भूनने में। अब इसमें शामिल कर देते हैं 2.5 गिलास पानी के। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा गिलास चावलों का लिया है और इसमें 2.5 गिलास मैं पानी शामिल करूँगी। अब इसे कर देते हैं कवर, जैसे ही पानी पकना शुरू हो जाए इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद और पकाते हैं, ताकि मटर और आलू भी गल जाए। और इसी स्टेज पे हम नमक भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से नमक यहाँ पे हमारा परफेक्ट है, क्योंकि मैं 1 गिलास में 1 टेबलस्पून ही नमक का शामिल करती हूँ, तो वो बहुत ही परफेक्ट नमक होता है। अब इसे करते हैं मिक्स और फिर से कर देते हैं इसे कवर। यहाँ पर चावल और मटर आलू सब पकना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पर इसका पानी कर लेते हैं खुश्क, जब पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसका लगाते हैं दम। अब फिर से 2-3 मिनट के लिए कवर करते हैं ताकि पानी हो जाए खुश्क। यहाँ पर जी पानी हो गया है ड्राई, अब इसे मिक्स करते हैं और बड़ा अच्छा समय इसको लगाती हूँ दम। अगर थोड़ी ही चीज़ों को हम चेंज करके काम करेंगे तो उनका जायका टेस्ट मज़ीद मज़ेदार हो जाएगा। यहाँ पे मैं जो गाजरे और शिमला मिर्च मैंने फ्राई करके रखी थी दम लगाते हुए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ थोड़े से मैं इसमें शामिल करूँगी आलू बुखारा और इमली, क्योंकि ये दम के ऊपर रख के अगर डाली जाए तो चावल और भी मज़े के और टेस्टी बनते हैं। पर चावल जी दम के लिए हो गए हैं तैयार। अब एक रुमाल लेते हैं, उसे में ऊपर रख देते हैं ढक्कन और चावलों को 20 मिनट के लिए लगा देते हैं यहाँ पर दम। 20 मिनट बाद मिलते हैं जी। 20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर दम लगाए हुए, चलिए आइए चेक करते हैं। वाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। जो ऊपर सब्जियाँ डाली थी और जो मटर आलू चावलों में डाले थे, इनको हल्के हाथों से करते हैं मिक्स और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चावल एकदम बन के हो गए हैं यहाँ पर रेडी।
कभी घर पर मटन चिकन मौजूद ना हो तो पुलाव खाने को दिल कर रहा तो आप ये वाला वेजिटेबल पुलाव भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का और टेस्टी पुलाव बनता है जी। यहाँ पे मैं सर्व करती हूँ और चेक करती हूँ कि ये पुलाव कैसा बना है। तो जी फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पर प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का सलाद था उसके साथ ट्राई कर रही हूँ, और एकदम से दही इसलिए नहीं डाला कि गरम गरम चावलों पर दही का मज़ा नहीं आता। चावलों को पहले मैं वैसे ही टेस्ट करती हूँ, फिर बाद में जब ठंडे हो जाते हैं फिर दही के साथ खाती हूँ। वाह जी वाह, बहुत ही मज़े के बने हैं यहाँ पर वेजिटेबल पुलाव। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं किसी शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।